वहीं दौसा सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री जसकौर मीणा ने आरक्षण को लेकर अपने मन की बात कही है। बीजेपी कार्यालय में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान संपन्न लोगों की तरफ से आरक्षण छोड़ने के सवाल पर जसकौर मीणा ने कहा है कि जो लोग सक्षम और संपन्न हो वो आरक्षण का फायदा जरूर छोड़ेंगे। सांसद जसकौर मीणा ने खुद का उदाहरण देते हुए कहा कि वो खुद भी आरक्षण छोड़ चुकी हैं। जसकौर ने कहा है कि समाज सभी को इस बात का ध्यान देना चाहिए कि अगर आप सक्षम हैं तो कम से कम 5 बच्चों की पढ़ाई का खर्चा आपको उठाना चाहिए। उन्होंने कहा कि वो खुद 156 बच्चियों की पढ़ाई का खर्चा उठा रही हैं। हालांकि जसकौर मीणा ने दौसा की सुरक्षित सीट से ही चुनाव लड़ा। बिल्कुल छोड़े रहे, मैंने छोड़ा हुआ, मैं आपके सामने बैठी हूँ जबकि मैं तो ना कॉलेज पढ़ी ना स्कूल पढ़ी, हम तो यूं ही गुड़कते गुड़कते, वो कहते हैं ना कि नदी में गिर जाता है बेडोल पत्थर, पानी के थपड़ों से गोल होता है, हम वो हैं। लेकिन अब जब मैं बन गई तो मैंने अपने बच्चों का आरक्षण बिल्कुल छोड़ा, मेरी बेटियों का आरक्षण छोड़ा। उधर आरक्षण को लेकर जसकौर मीणा के बयान पर किरोड़ी लाल मीणा की तरफ से तल्ख प्रतिक्रिया सामने आई, जिसमें उन्होंने कहा कि वाकई दौसा सांसद सक्षम हो गई हैं। किरोड़ी ने